Prandtl number signifies the relative magnitude of momentum diffusion and rate of diffusion of heat TBL thermodynamic boundary layer के बारे में लिखो. थर्मल बाउंड्री लेयर, सॉरी थर्मल बाउंड्री लेयर. लिखो इसके बारे में, जो जस्ट सिमिलर टू हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, इनसाइड विच वेलोसिटी ग्रेडियंट, HBL, वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सीन in the normal direction to the plate. Thermal boundary layer is also a thin region inside which temperature gradient are evident. यार अब कुछ बताओगे तुम लोग boundary conditions के बारे में मुझे. टेम्परेचर का वैल्यू क्या है एट y इज इक्वल टू जीरो पे? टेम्परेचर का वैल्यू क्या है एट y इक्वल्स टू जीरो पे? टेम्परेचर का वैल्यू क्या है एट y इक्वल्स टू डेल्टा पे? अब समझो एक और बात कि एक प्रोफाइल जो है आपका टेम्परेचर का, मैं इस प्रोफाइल को बस देखता हूं तो इसका ग्रेडियंट dT/dy जो है टेम्परेचर, ये है y, ये है, ये इसका प्रोफाइल है टेम्परेचर का, dT/dy कहां पर जीरो हो रहा है या फिर कहां पर जीरो होना चाहिए? यार देखो dT/dy जीरो मतलब क्या हुआ कि हीट ट्रांसफर अब नहीं हो रहा है. इसके बाद क्या हीट ट्रांसफर होता है? नहीं होता है सर. यही इसीलिए रीजन बना रहा हूं क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, ग्रेडियंट, वो सर के लिए इसी के अंदर आपको दिखाई देगा. टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट इसी के अंदर बस दिखाई देगा, इसके बाहर नहीं दिखाई देगा. तो ऑब्वियसली यहां पर जो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल के कारण जो स्लोप बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा? जीरो, जीरो dT/dy जीरो होगा ना एट y इज इक्वल टू डेल्टा. अब ये एक और बात देखो कि जो इसका ग्रेडियंट है, इसका जो ग्रेडियंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आती है? यहां पर एट वाई इक्वल्स टू जीरो पे ग्रेडियंट का मैक्सिमम आता है. तो किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमम आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल पैरामीटर इज इक्वल टू जीरो. तो हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट की, फिर बता रहे हैं ग्रेडियंट मैक्सिमम है. तो बेसिकली ग्रेडियंट का ही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई जीरो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि dT/dy मैक्सिमम है
एट वाई इक्वल टू, ये बाउंड्री कंडीशन है। अब ऐसा करो, एक काम करना है हमें शॉर्ट में, क्या करना है कि हमें एक एलिमेंट या फिर बोलो कंट्रोल वॉल्यूम उठाना है इस बाउंड्री लेयर के अंदर, और इस पे हमें एनालिसिस करनी है हीट ट्रांसफर के बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में इसमें एनालिसिस करनी है। ये रहा मेरा वो कंट्रोल वॉल्यूम, है बहुत छोटा सा, मैंने यहां बहुत बड़ा दिखा दिया, यहां पर उससे बड़ा दिखा दिया, लेकिन है बहुत छोटा सा डिफरेंशियल है यार। यहां से कुछ फ्लूइड इन हो रहा होगा, यहां से कुछ फ्लूइड आउट हो रहा होगा, यहां से भी कुछ फ्लूइड इन हो रहा होगा, यहां से कुछ आउट हो रहा होगा, समझ रहे हो? हीट एनर्जी, हीट ट्रांसफर, या फिर बोलो हीट ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लूइड, यहां से मैं लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा हीट ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लूइड, यहां से भी लिख सकता हूं। देखो एक फ्लूइड है, या फिर कोई भी आपका फ्लूइड की जनरल बात करते हैं, MCPT, उसका क्या होता है, उसका एनर्जी कंटेंट बताता है। अगर आप एम डॉट लगा दो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप उसका देखना चाह रहे हो, तो यहां से हीट कन्वेक्टेड इन या फिर हीट ट्रांसपोर्टेड इन वाया कन्वेक्शन, इन क्या होगा, ये होगा एम डॉट सीपी टी, जो भी होगा यहां का टेम्परेचर, इस प्रोफाइल है जो भी टेम्परेचर होगा वो। वैसे यहां पे भी आप लिख सकते हो हीट ट्रांसपोर्टेड इन है, ये हीट ट्रांसपोर्टेड आउट होगा, हीट ट्रांसपोर्टेड आउट होगा। वैसे यहां पे हीट ट्रांसपोर्टेड इन है बॉटम सरफेस से, इसको बॉटम कह दो, इसको टॉप सरफेस कह दो, इसको लेफ्ट कह दो और इसको राइट कह दो। अब समझो किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो हीट एनर्जी हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशन, वो मैं कैसे लिख रहा हूं, और एक और ये कंडीशन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट के लिए लिखूंगा। तो मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, आधी अधूरी बात लिखूंगा। ये जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग, ये कुछ आपका लेंथ होगा डी वाई, डी वाई लेंथ है, इसका कुछ थिकनेस होगा वन, उसको मैं वन मान रहा हूं। तो मास फ्लो रेट कैसे लिखता हूं मैं, अगर आपको डिफरेंशियल एलिमेंट लिख रहा है, बेसिकली ये डीएम है, बहुत स्मॉल मास फ्लो रेट है, कैसे लिखूंगा, रो इंटू एरिया ऑफ जिसके अलॉन्ग हो रहा है आपका ये मास इन हो रहा है, डी वाई इंटू वन इंटू यू, जो भी आपका यू होगा, ये वेलोसिटी यू, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगा यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, समझ रहे हो क्या लिख रहा हूं सब, कुछ कुछ बकवास की बातें मैं लिख रहा हूं। वैसे ही टेम्परेचर, अगर यहां पे टी है तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टी प्लस डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, यह हीट ट्रांसपोर्टेड इन थ्रू द लेफ्ट फेज, हीट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द राइट फेज, हीट ट्रांसपोर्टेड इन फ्रॉम द बॉटम फेज, हीट ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द टॉप फेज। इसके साथ साथ क्या हो रहा है और हीट इंटरेक्शन और कैसे हो रहा है, क्या ये देखो, देखो बात समझो, फ्लूइड फ्लो कहां से कर रहा है, कन्वेक्शन मतलब क्या हुआ, देखो कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द फ्लूइड, यही है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द फ्लूइड। देखो
फ्लो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहां से भी तो ऊपर हो रहा है। मैंने आपको बताया था वी की कुछ वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वी कुछ होता है, ये तो हो ही रहा है, ये भी हो रहा है, तो कुछ ऊपर भी जा रहा होगा, कुछ इधर भी आ रहा होगा। यही चीज तो वहां भी बना रहा हूं। इसके बाद क्या एक बात समझने वाली है कि मैंने तो कन्वेक्शन का ट्रांसपोर्टेड मास के जितना मास इन हो रहा था, मास आउट हो रहा था, उसे करस्पॉन्डिंग जो हीट हीट था उसको मैं ट्रांसपोर्टेड इन ट्रांसपोर्टेड आउट सब लिख दिया, लेकिन यह कंडक्शन भी तो हो रहा है, कंडक्शन का भी तो अकाउंट में लोगे, हीट ट्रांसफर इक्वेशन लिख रहे हो तो लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे, माइनस के ए, ये जो भी डिफरेंशियल एरिया है ये ए, इंटू डी टी बाई डी वाई, डी टी बाई डी वाई, यहां से आपको लिखना है ना इन, कुछ कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर इन हो रहा होगा, कुछ कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर आउट हो रहा होगा। स्टडी स्टेट में क्या लिखोगे, टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना वो डायरेक्ट लिखता हूं। यही अगर ज्यादा ज्यादा काम आया तो यही आएगा, बाउंड्री लेयर के अंदर जो इक्वेशन बन रहा है किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये लिख सकते हो। ये क्या है बेसिकली, हीट कन्वेक्टेड इन है, या फिर आप ये बोल सकते हो टोटल हीट कन्वेक्टेड है, और ये है टोटल हीट कंडक्टेड, ये दोनों इक्वल है। अब याद करो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन क्या था, u du by dy du by dx plus v du by dy is equal to mu times of d2u by dy। यही क्वेश्चन था जो कि x एक्सिस के अलोंग बस आया था, अगर आप dp by dx जीरो ले रहे हो तो बिकॉज फ्लैट प्लेट है, ये अजम्पशन बिल्कुल सही बैठता है, dp by dx हम जीरो ही ले रहे हैं। ये क्या है, म्यू विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये एम डॉट डीएम डॉट को हमने लिख रहे हैं रो, देखो डीएम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, मैं इसको लिखता हूं वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू डेंसिटी, डेंसिटी लिख दिया, वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी लिख दिया यू, जो यहां से ये वेलोसिटी होगा कुछ यू होगा, मुझे पता नहीं बेसिकली, आपको प्रोफाइल के थ्रू आप अभी निकाल रहे हो यहां पे कैसा होगा ये, है ना, इनटू एरिया, एरिया में ले रहा हूं ये डी वाई इनटू जो थिकनेस है इसका वो वन है। ये देखो K by rho Cp क्या होता है, K by rho Cp क्या होता है, थर्मल डिफिजिबिलिटी, और यहां पे था आपका म्यू by rho, वो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू by rho काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का इक्वेशन है, बस क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, एक तरफ अल्फा है एक तरफ म्यू है, बिल्कुल सिमिलर टाइप की इक्वेशन है, ये यू है इधर, ये दरअसल एनर्जी इक्वेशन है, ये इसका मोमेंटम इक्वेशन है, और जो यहां पे आना चाहिए कांस्टेंट, बेसिकली ये म्यू आ रहा है और ये अल्फा आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था प्रांडल नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रांडल नंबर क्या था, प्रांडल नंबर क्या था,
प्रांडल नंबर क्या था? वो था म्यू बाई अल्फा, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों की इक्वेशन में बिल्कुल एक ही फैक्टर का डिफरेंस है, वो ये है, इसीलिए प्रांडल नंबर इतना इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बारे में पता चल जाए तो इन दोनों के कर्व का रिलेटिव नेचर आप बता सकते हैं कि जो थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ दिस बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर में जो थिकनेस है, इसका आखिर सिग्निफिकेंस है क्या? या आखिर कम ज़्यादा, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, इसका क्या मतलब है? इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ TBL, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं HBL। प्रांडल नंबर क्या था मेरा? ये भाई अल्फा। म्यू बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मोमेंटम, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीट एनर्जी, हीट। और ये जो प्रांडल नंबर होता है ना, ये बेसिकली आप इसको इक्वल्स टू कह सकते हैं डेल बाई डेल टी प्रांडल नंबर, फिर इसको इक्वल नहीं लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू प्रांडल नंबर की पावर 1/3। ये इन जनरल आप पूरे हीट ट्रांसफर में आप इसको यूज करना दिन दहाड़े, ठीक है? प्रांडल नंबर की पावर 1/3, ये दिन दहाड़े एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है? आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाता है। आपको डेल्टा पता है ना यार, डेल्टा पता है, और इन दोनों के बीच का आपको कुछ कुछ रिलेशंस पता है। प्रांडल नंबर डेल्टा बाई डेल्टा टी बेसिकली ब्लासियस इक्वेशन से ही आता है, वहीं का एक डिराइव्ड प्रोडक्ट है। आप लोग लेकिन डायरेक्ट इसको यूज करेंगे थ्रू आउट, कहीं भी हम यूज को करेंगे, तो इस चीज को दिमाग में हम रखते हैं। अब देखो यार, प्रांडल नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होती है, प्रांडल नंबर की वैल्यू अगर लेस देन वन होती है, प्रांडल नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू वन होती है, तो कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहला कंडीशन में यहां ले रहा हूं, प्रांडल नंबर ग्रेटर देन वन, प्रांडल नंबर ग्रेटर देन वन तो डेल्टा इज ग्रेटर देन, ठीक है? तो ये डेल्टा होगा, ये डेल्टा टी होगा, बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। आप एक ही में दोनों प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं आप थर्मल बाउंड्री लेयर, और ये ड्रॉ कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। और अगर ये केस होगा ट्रू, तो ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, सेम प्रोफाइल होगा, अगर प्रांडल नंबर इक्वल्स टू वन हो गया, और ये इसमें डेल्टा और डेल्टा टी सेम। ये जो थिकनेस है ना यार, थिकनेस, ये जो थिकनेस है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। देख रहे हो यार, ये थिकनेस बढ़ रहा है, ये थिकनेस बढ़ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग डायरेक्शन, अलोंग द एक्सिस ऑफ द प्लेट। इनिशियली थिकनेस कम था, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड। यहां पर रेजिस्टेंस कम है, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है। और कन्वेक्शन के कारण आप हीट ट्रांसफर कैसे लिखते हो? एच ए डेल्टा टी, है ना? बेसिकली डेल्टा टी तो कांस्टेंट है सबके लिए, वो तो वही है टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी,
है ना, एरिया कुछ भी होगा वो एलिमेंटल का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटल का, एलिमेंटल तो आप सेम ही लोगे। एच का जो वैल्यू है ना, एच का जो वैल्यू है ये बेसिकली डिक्रीज कर रहा है अलॉन्ग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्लेट, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द प्लेट। एक्स के अलॉन्ग आपका एच का वैल्यू घट रहा था, अभी तो प्रूफ किया था ना उससे पहले, है ना। यहां से भी वही बात प्रूफ होता है, यहां से भी वही बात प्रूफ होता है कि ये बाद का जो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड कर रहा है ये ज्यादा है इनिशियल रेजिस्टेंस से। तो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते थे, वन अपॉन एच ए। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू कम होती जा रही है। ये इसका एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या ये बाउंड्री लेयर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। इन सब के बारे में कुछ कुछ लिख लो यार शॉर्ट में। प्रांड्ल नंबर के बारे में लिखना है, नहीं उससे पहले लिखो ये एक जनरल स्टेटमेंट लिखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड viscosity of the fluid tells about the rate at which tells about the rate at which momentum diffusion occurs through the fluid layer higher the value of kinematic viscosity faster the momentum diffusion rate faster the momentum diffusion rate that is viscous influence of the fluid can be felt at the farther distance farther distance from the surface basically क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि mu का value proportional है delta के, क्या मैं यही कह रहा हूं। बेसिकली ये म्यू नहीं होता एग्जैक्टली, डेल्टा अंडर रूट ऑफ म्यू होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू होता है, ये डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है। ये अंडर रूट ऑफ म्यू कैसे आता है यार, वो याद करना, क्या नाम है, डेल्टा का किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है। डेल्टा क्या होता है, सी एक्स अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स, आर ई एक्स को कैसे, रो वी डी बाई म्यू होता है ना, तो वी डी बाई रो वी डी बाई म्यू, तो म्यू जो नीचे है उसको रो ऊपर है तो वो नीचे म्यू आ जाएगा, तो ये ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू का, अंडर रूट ऑफ म्यू का, ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हो थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए, वैसे ही आप थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए बिल्कुल सिमिलर कहानी कह सकते हो, क्या कह दोगे, प्रोपोर्शनल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी का अंडर रूट।